मध्य प्रदेश के बड़े शहरों के चौराहों पर लगेंगी भगवान परशुराम की मूर्तियां। संस्कृति विभाग का आदेश, मगर विभागीय मंत्री अनजान। लेटर है आपके विभाग का, वंदना पांडे जी जो है अपर सचिव है, उनका एक पत्र है जिसमें हर कुछ 16-17 जिले हैं, नगरीय प्रशासन को आदेश दिया गया है कि हर चौराहे पर परशुराम भगवान की मूर्ति स्थापित कर दें, और ये मार्च का आदेश है ना, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं दिखवाती हूँ, ये मेरे संज्ञान में भी नहीं। क्या सरकार में संस्कृति विभाग से जुड़े अहम फैसले और आदेश निर्देश संस्कृति मंत्री को दरकिनार कर लिए जा रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि विभागीय मंत्री को नहीं पता कि उनके विभाग की तरफ से कौन सा आदेश जारी किया गया था। फिर सुनिए 10 सूत्र के सवाल पर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का हंसता मुस्कुराता जवाब। क्योंकि मैम, ये मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश हुआ था आपके विभाग के लिए जी। और आपके अपर सचिव जो वंदना पांडे, अच्छा, उन्होंने नगरीय प्रशासन को ये आदेश किया, और उसके बाद नगरीय प्रशासन ने 16 जिलों के कलेक्टर और नगर पालिका निगमों को भी ये आदेश दिया कि चौराहों पर परशुराम भगवान की मूर्ति लगाई जाने की। क्या जल्द लगने वाली? निकलाती हूँ, इसकी तफ्तीश करती हूँ। मंत्री को पता नहीं, लेकिन 10 सूत्र के पास उन पत्रों की प्रतियां हैं जो संस्कृति विभाग से चलकर जिलों के कलेक्टर तक जा पहुंचा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, सागर, रीवा, सतना, जबलपुर, मुंडवारा, कटनी, छिंदवाड़ा, सिंगरौली, ये वो जिले हैं जहां संस्कृति विभाग के आदेश के मुताबिक चौराहों पर भगवान परशुराम की मूर्तियां लगनी है। इसका पत्राचार कैसे चला वो आपको हम बताते हैं। 28 जनवरी 2021 को संस्कृति विभाग की अवर सचिव वंदना पांडे ने नगरी प्रशासन विभाग के उप सचिव को पत्र लिखा, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय का हवाला देते हुए ये साफ किया गया कि प्रदेश के प्रमुख शहरों के चौराहों पर भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित की जानी है। इसके बाद पत्र के बाद 3 फरवरी को नगरी प्रशासन विभाग के विशेष कर्तव्यस्त अधिकारी ने नगरी प्रशासन के आयुक्त को पत्र लिखा कि चौराहों पर भगवान परशुराम की मूर्तियां स्थापित की जानी है, इसलिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। और तीसरा पत्र 4 मार्च 2021 का है, जो नगरी प्रशासन और विकास के संयुक्त संचालक आर के कार्तिकेय ने 17 जिलों के कलेक्टर्स और सभी नगर निगम कमिश्नर्स को लिखा कि भगवान परशुराम की मूर्ति प्रमुख चौराहों पर स्थापित की जानी है। इसमें सीएम मोनित सी के प्रकरण का भी हवाला दिया गया। इसका मतलब होता है कि ये मामला सीएम की मॉनिटरिंग में है। इस आदेश को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने तो साफ कहा कि ये गलत आदेश निकाला गया है, क्योंकि परशुराम भगवान है। पुराणों में जिक्र है कि परशुराम विष्णु के 6 अवतार हैं। उनकी मूर्ति मंदिरों में स्थापित होती है, ना कि चौराहों पर। कि भगवान परशुराम भगवान है और भगवानों की मूर्ति चौराहों पर ही लगती, मंदिर में लगती है। भगवान परशुराम की जितनी भी मूर्तियां उनकी स्थापना हुई है पूजा अर्चना करके, वो मंदिरों में हुई है, जहाँ पुजारी सुबह शाम उन पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं। ये एक तरह से आपत्तिजनक है। जहाँ भगवान परशुराम जी का अपमान है, वहीं सभी ब्राह्मण समाज का भी अपमान है, क्योंकि ब्राह्मणों के आराध्य हैं भगवान परशुराम। और मैं समझता हूँ कि तुरंत सरकार को ये आदेश वापस लेना चाहिए। उधर ब्राह्मण समाज ने भी इसका विरोध किया है। समाज के पदाधिकारियों के मुताबिक ये भगवान परशुराम का अपमान है। चौराहे पर मूर्तियां लगती हैं, वो मूर्तियां नेताओं की लगती हैं, महापुरुषों की लगती हैं। भगवानों की मूर्तियां चौराहों पे नहीं होती हैं, भगवान की मूर्ति मंदिर पर होती है, क्योंकि उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से विष्णु अवतार हैं, ऐसे ही भगवान श्री परशुराम जी भी विष्णु अवतार हैं, और उनकी जो मूर्तियां हैं वह मंदिरों पर स्थापित होती हैं और मंदिरों पर स्थापित हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ऐसे किसी भी आदेश की घोर निंदा करता है, और अगर यह आदेश पारित करते हैं माननीय शिवराज जी, तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज और समस्त ब्राह्मण समाज पूरा रोड पर उतरेगा और इस तरह के आदेश की का विरोध करेगा। संस्कृति विभाग के इस आदेश पर राजनीति और विरोध हो रहा है।
आदेश जेलों तक पहुंच गया। संस्कृति मंत्री को आदेश के बारे में मालूम ही नहीं, उनकी किरकिरी तो है ही। सरकार भी हंसी का पात्र बन रही है, जिसे यही नहीं पता कि भगवान परशुराम को भगवान का दर्जा हासिल है, ना कि महापुरुष का, जो उनकी मूर्तियां चौराहों पर स्थापित की जा सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।